Hello students, this is Meenakshi Singh, an account teacher in multi-commerce classes, Muzaffarpur, Bihar. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस को बताया था और साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने में कितने अकाउंट और कितने स्टेटमेंट की मदद से बनाया जाता है इसको बताए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे। इसके फीचर्स को जानने से पहले ये होता क्या है इसको जानेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाता है, जो पिछले वीडियो में बताए थे। फर्स्ट अकाउंट का नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसे नाम से ही स्पष्ट है ये। रिसिप्ट मतलब कैश का आना और पेमेंट मतलब कैश का जाना, यानी कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो ये कैश बुक से टर्न करता है। कैश बुक जर्नल का वह सब्सिडरी बुक है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट को मेंटेन करता है। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बहुत ही आसान अकाउंट है। जब आप इसका प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, जो किसी भी ईयर से रिलेटेड नहीं होता है, यह केवल मेंटेन करता है कैश का आना और कैश का जाना। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के इस फीचर्स को हम बता रहे हैं, बच्चे आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह सबसे पहले हमने लिखा है समरी ऑफ कैश बुक एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है और वह किसका समरी है, कैश बुक का। यानी कि इसमें कोई भी ड्यू अमाउंट, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कोई भी तरह का नॉन कैश आइटम शामिल नहीं होता है। दूसरा हम लिखे हैं बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एज इट इज क्लोजिंग विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। टू और थ्री नंबर लगभग एक जैसा है। इसका मतलब है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को जैसे हम लोग शुरू करते हैं वैसे ही हम लोग एंड करते हैं। बस वह क्या होना चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग या बैंक बैलेंस को हम लोग टू बैलेंस बीडी भी कहते हैं और क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस को हम लोग बाय बैलेंस सीडी भी कहते हैं। बीडी मीन्स बोरोड ऑन, सीडी मीन्स कैरिड ऑन, ये आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑल कैपिटलाइज एंड रेवेन्यू नेचर, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट चाहे वह बड़ी राशि हो चाहे वह छोटी राशि हो, यानी कि कैपिटलाइज नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इनकम हो, वो सारे चीज को अपने में लेता है। बस वो क्या होना चाहिए, कैश से रिलेटेड होना चाहिए। फिफ्थ नंबर है एनी ईयर। एनी ईयर इट मीन्स या प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है या करेंट ईयर का भी हो सकता है और या नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, यानी किसी भी ईयर से रिलेटेड मनी होना चाहिए। बस वो मनी क्या होना चाहिए, इन और आउट का फ्लो होना चाहिए। सिक्स नंबर है ऑल रिसिप्ट्स इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट इन क्रेडिट साइड, यानी रिसिप्ट जितना भी होगा वो डेबिट साइड में दिखाएंगे और जितना भी पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखा जाए तो 1 to 6 हमारा मेन फीचर्स होता है और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारा 7 नंबर होता है। इसको बच्चे आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें हमने लिखा है यह नॉन कैश आइटम को मेंटेन नहीं करता है। फिर हम बता रहे हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट ओनली फॉर कैश बुक मेंटेन, नॉट फॉर नॉन कैश आइटम। एग्जांपल के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूर्ड इनकम। एक्यूर्ड इनकम को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। डिप्रिशिएशन, बैड डेट्स, ईटीसी, यानी कि यह नॉन कैश आइटम को अपने अंदर लेता ही नहीं है, ये केवल कैश और कैश आइटम को लेता है। अब हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का कैश बुक के साथ थोड़ा डिफरेंस को देख लेते हैं, क्योंकि कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट लगभग एक जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक विद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है, ये तो हम बता ही चुके हैं, और यह किससे बनता है, कैश बुक की मदद से बनता है। लेकिन कैश बुक क्या है, वह रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शंस को सेपरेटली मेंटेन करता है, जबकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या करता है, कैश बुक की मदद से मेंटेन होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है
रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है, जबकि कैश बुक डेली बेस पे काम करता है, यानी रोज के ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करता है। थर्ड है हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का है इसीलिए यह डेट को मेंटेन नहीं करता है, लेकिन कैश बुक चूंकि वो जर्नल का सब्सिडियरी बुक है तो ऑब्वियसली वो किसको मेंटेन करेगा, डेट को मेंटेन करेगा। फिर है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन कैश बुक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसको मेंटेन करता है। और लास्ट में आप लोग लेजर फोलियो तो जानते ही होंगे। लेजर फोलियो मतलब क्या होता है, पेज नंबर जो हमारा होता है वह कैश बुक तो मेंटेन करता है लेकिन रिसिप्ट पेमेंट मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन और डोनेशन पे काम करता है और ये डेली बेस पे काम नहीं करता है, इसीलिए इसमें लेजर फोलियो होता ही नहीं है और इसमें लेजर फोलियो होता है। इस वीडियो में हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी दे दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट को और कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।